हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप? से उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्या कहते हैं इसको, सिरके वाला अचार, ठीक है, जो गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है। ये मैंने सिरका था एक लोटे में दिखाया था, और यहाँ पर मैंने लहसुन, कुछ लहसुन ले लिए है, उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसको बनाने का तरीका मुझे ना हमारी पुष्पा सिस्टर है ना, आप लोग पुष्पा सिस्टर के हिसाब से जानते हैं, यूपी प्रथम मॉम, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया। मुझे इसमें आप कोई भी सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, गाजर है, मूली है, कुछ भी डाल सकते हैं, कटहल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें केवल लहसुन, प्याज और मिर्चा। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी डाली है थोड़ी बड़े बड़े साइज में, और ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, और इसको सिरके में डालेंगे, जो सिरका बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए और टेस्टी भी लगता है। तो सिरका भी मैंने ना घर में बनाया था, मुझसे भूल चूक से बन गया, बस गन्ने के रस रखा था, उसको मैंने डब्बे में बंद करके फरवरी के महीने में रखा था। अभी मैंने चेक किया कि ये तो सिरका बन गया, तो फिर मैंने मुझे प्रतिमा सिस्टर, मैं तो प्रतिमा सिस्टर बोलती हूँ ना, उनसे पूछा इसको कैसे क्या करा जाता। उन्होंने बताया कि इसको छान के बॉयल कर लेना और फिर उसको छान लेना, फिर ये सारी चीज़ें डाल दीजिए जो आपका मन करे। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च भी निकाल लिए, लहसुन, लाल मिर्च और प्याज, ये तीन चीज़ डालूँगी मैं। और यहाँ पे पंच फोड़ नहीं होता, या धनिया है, जीरा है, कलौंजी है थोड़ी सी, और थोड़ा सौंफ है और मेथी है, इसको भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। सरसों के तेल में ही करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा आपको दिखेंगे। अगर आप उनका चैनल देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट करती हैं डेली ब्लॉग में। तो यूपी प्रथम मॉम ब्लॉग्स, ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छी प्यारी सी हमारी सिस्टर है, उन्होंने हमको आइडिया दिया था, मैंने पहली बार बनाया, मुझे तो पता भी नहीं था। और ये सारी चीज़ें मैंने ना कांच के उसमें डाल लिया, एक सीसी में, मतलब डब्बे में, और ये मैंने ये लोटे में, ये सरसों था ना, वो अरे यार सिरका था ना, तो सिरका मैंने, सिरके में नमक डाल दिया, और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम ना ये सिरका इसी बोतल में डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स चला जाए, पहले नहीं डाला था, अब देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे। और आपको ये सिरका वाला अचार बनाने का आइडिया कैसा लगा बताइएगा, ये मेरा तो आइडिया नहीं था, मैंने तो मालूम भी देखती थी लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे बनता है। कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, फ्राई नहीं करते, लेकिन मैंने फ्राई किया क्योंकि मुझे प्रतिमा सिस्टर ने बताया, तो वैसे ही मैंने बनाया। ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू फैमिली।